परम सत्कार्य डिप्टी सीएम साहब, सत्कार्य एमपी साहब, मेरे बहुत ही प्यारे वीर राजकुमार वेरका जी, मंत्री जी, साडे मानयोग स्पीकर राणा केपी सिंह जी, सारे एमएलए साहिबान ते मेरे पूजनीक संत समाज जो स्टेज ते सुशोभित है, मेरे सत्कारयोग बुजुर्गो, भैनों ते भरावो, जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निहाल। मैनू वो लफ्ज नहीं लभ रहे जिन्ना तुसी प्यार सत्कार अज इत्थे दित्ता है। हजारां दी गिणती च बाहर लोग खड़े है, रास्तियां दे विच प्यार दित्ता है, ते बहुत बड़ी गिणती तुसी इत्थे बैठे हो। साढ़े पास इस तो बड़ा हाल नहीं सी, मैं माफ़ी मंगदा कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर रह गए हैं। वाल्मीकि समाज प्यार दा पुंज है, प्यार करन वाला समाज है, शक्तिशाली समाज है। अज भगवान वाल्मीकि जी का जन्म दिहाड़ा है, मैं पूरे पंजाबियों नूं, पूरे देशवासियों नूं, दुनिया च रह रहे लोगों नूं आज दे इस पवित्र दिहाड़े दी बहुत बहुत बधाई देना। आप सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। वाल्मीकि समाज दा संबंध और प्यार हिंदू समाज नाल भी, क्योंकि रामायण साडे गुरु भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी। रामचंद्र जी, दशरथ जी, रामायण के जिन्ने पात्र हैं उन्हां दे जीवन राही जो सानू सिख्यावां दित्तियां अज उन्हां दे पालन करन दी लोड़ है। जदों दशरथ जी ने ककई जी दा वचन मन के रामचंद्र जी नूं बनवास लई भेजिया, उस ते गल चली है कि रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन ना जाई। सो ऐसी अपना बचन नहीं भुलना, जे किसी नूं वादा करता उहदे ते पूरा रहना है, सहां खा के नहीं मुकरना, जो एक बार वायदा करता उहदे ते खड़ना है। ये सानू रामायण तो वाल्मीकि जी ने शिक्षा दित्ती है। जे रामचंद्र जी दे नाल सीता माता गए, उन्हां नू बनवास नहीं सी होया, उत्थों सानू सिक्ख्या मिली कि पति दा आदर सत्कार और उहदे नाल जीना मरना पत्नी दा धर्म है। बड़े भाई दे नाल लक्ष्मण जी भी गए, सिक्ख्या मिली है कि भरावां दे विच एकता रखनी है, प्यार रखना है, एक दूजे का सत्कार रखना, भीड़ पैगी तो उहदे नाल खड़ना है। ये समाज नूं जो एक चंगा समाज वाल्मीकि जी ने सिरजिया, उस नूं अगे लिजाण दी लोड़ है, उस ते पहरा देण दी लोड़ है, उस ते राखी करन दी लोड़ है। भीलण जी दे बेल खा के रामचंद्र जी ने ऊंच नीच उस समय खत्म कीती, इन्हां गल्लां ते सानूं पहरा देण दी लोड़ है। मैं जद आया तो अगे जगह खाली पई है, बाहर लोग खड़े है, मैं क्या यार इन्हां नूं उरे बिठा दो, मैं तो दूर दूर जा जरा के लोगों ते रहा नहीं जाता, क्योंकि कहिंदे जी सिक्योरिटी का बड़ा खतरा है जगह। मैं क्या जिस दिन मैं डर के सिक्योरिटी तो पिछे रहन लग गया या लोगों नूं मेरे ते विश्वास नहीं रहा, उस दिन मैं अस्तीफा दे देना। जिदन तक मैं अस्तीफा नहीं दिंदा काम करदा, इहदा मतलब मैनू किसी ते कोई खतरा नहीं है। मैं एक दूजे दिन
मैं थोड़े नाल रहना चाहता है। आई तो चीज़ की कमी है, लोग प्यार पालते है, लोग सत्कार पालते है, तो ऐसी उन्होंने हुज्जा मारी जाते हैं। जा रहा सुखबीर बादल पिछे जिप्सी आ रही, वो डांग वाला बैठे है, बाई जाता पिछे हट जाओ, पिछे हट जाओ। वो यार पिछे कहते हट जाओ, थानू ता ही तो लोग पिछे करता। लोग प्यार पालते है, प्यार देना लोगों, सत्कार देना। मैं हूँ आया, लोगों ने अगे हो के प्यार दिता, सत्कार दिता। सिक्योरिटी वाले आदत है हुज्जा जी मार लग जाते, मैं क्या रहन दो यार, मेरे नाल नहीं, मैनू इन्हां च जान दो। इन्हां प्यार की लोड़ है, सत्कार की लोड़ है। मैं इन्हां प्यार देना, सत्कार देना। सो सत्कारयोग वीरो, आ कई कही जाते जी आम आदमी चाहिए, हूँ उन्होंने आम आदमी नहीं लभ रहा, आम आदमी नहीं लभ रहा उन्होंने, क्योंकि आम आदमी तो आ गया। सो सत्कारयोग वीरो, मैं बेनती करना चाहता यार, ले लेना सरोपा देते वीरे, आ जा इधर, आ जा इनू लिया दो, इतने लिया दो, बहुत धन्यवाद। जेड़ा सरोपा देना चाहता लेकिन बाद विच कर लेंगे आप। ये है सत्कार, ये है प्यार। आ जाओ निहंग सिंह जी, आ जाओ, आ जाओ। सो सिखां दे विच वाल्मीकि जी दे जिन्ने अनुयायी हैं, रामदास जी ने उन्होंने अमृत अपने नाल ला के प्यार दे के मजहबी सिख बनाया। बाद दे विच अमृत छक के गुरु गोबिंद सिंह जी तो वो सिख बने, ते एनी मार्शल कौम है। इन्हां विचों भाई जीवन सिंह जी निकले, भाई जैता जी जेडे गुरु तेग बहादुर जी का सीस लेके दिल्ली तो आए, ते उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने गढ़ ला के कहा, रंगरेटा गुरु का बेटा, अपना बेटा होने का खिताब दिता। वो कौम है जिस ते अज असी माण करते। सो मैं अज एक गल का ऐलान करना चाहता कि भाई जीवन सिंह जी जिन्होंने आप जैता जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने चेयर स्थापित करके उन्होंने जीवन बारे पूरी रिसर्च की जाएगी। इत्थे दी जिहड़ी यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उहदे च उन्हां दे नाम ते ऐसी चेयर स्थापित करांगे। जो बोले सो निहाल। मैं भी तुहाडे वांगू गरीब घर दे विच पैदा होया। जिहड़ा मेरे बापू दा घर है, पिंड विच रहण करके मेरे साडे नाम ही नहीं सी। बापू ने दुकान वास्ते लोन लेना सी, प्रॉपर्टी कोई नहीं नाल। सो ऐसी हुण एक स्कीम लेके आए हैं कि मेरा नाम मेरे घर, मेरा घर मेरे नाम। उहदे विच लाल लैन के अंदर जिन्ने डोरे दे घर पैंदे है, चाहे वह किसी का है, किसी वर्ग का बंदा है, उहदे नाम ते असीं सन्नदा करके तुहानूं वह घर तुहाडे नाम करके दे देना है, ताकि घट तो घट असीं भी किसी जायदाद के मालक होइए। साडे पास रजिस्ट्री कोई नहीं सी अज तक। जेडे पिंडां दे विच लोग रह रहे, शहर दे विच लोग लाल लैन के अंदर रहिंदे, उन्हां दीआं प्रॉपर्टियां उन्हां दे नाम नहीं। सो एक स्कीम लेके आए हैं, मेरा घर मेरे नाम ते सब दे घर उन्हां दे नाम करने हैं। कोई पैसा सरकार ने नहीं लेना, तुहाडियां प्रॉपर्टियां तुहानूं दे देनी है। पंज पंज जिन्हां पंचायतां कोल जमीनां हैगियां, उन्होंने असी निर्देश जारी कर रहे हैं कि गरीब आदमियों पांच पांच मरले दे प्लाट दो, और ये दिवाली तक काम सीमित करना है। जेड़े लोग शहरां दे विच स्लम एरिया च रहिंदे,
पंचायती या कमेटी दियाँ जमीन, लेकिन पंजाह पंजाह साल तो बैठे उन्होंने नाम नहीं हुई। चाहे वह गरीब बस्ती है, चाहे बंगाला बस्ती है, चाहे कोई बस्ती है, जिथे लोग पंजाह पंजाह साल के अपने घर बना के बैठे है, दिवाली तक उन्होंने घर उन्होंने दे के सन्नदा दे देने। दिवाली में मैं आप दीवा बालना थोड़े घर चाक। मैं 15 साल हो गए चमकौर साहब के इलेक्शन लड़ रहा, हर बार बगाला बस्ती जाता वोटा मंगन, गरीब बस्तियां जाता वोटा मंगन। मरंडे एक मेरे बलदेव नगर है बाजीगर बस्ती रहती है, वो मैं एको गल कहते यार असं आजादी से रह रहे इसे जगह रह रहे सानू ये हक नहीं मिल रहे। लो जी दिवाली तक थोड़ा हक दे देने, बसेरा स्कीम लिया है, दिवाली मैं आप जाके थोड़े घर दीवा बालना है, जिन्हों के नाम जमीन नहीं है थोड़े घर थोड़े नाम कर देने। मैं पिंडां दे विच जांदा, जब मैं पिछली बारी विरोधी धिर दा नेता सी 2016 च, साढ़े 4-5 साल पहला एक पिंड च गया, बीबियां घेर के खड़ गईं, कहिंदे जी साढ़े पानी एक हफ्ता हो गया आए नूं। मैं क्या क्या हो गया, कहिंदे जी साढ़े जिहड़े पानी दी पिंड दी मोटर है उहदा बिल आया होया 14 लाख, साडा पिंड नहीं दे सकदा, इस करके साडा कनैक्शन चालू कराओ। मैं सरपंच नूं कहा, मैं कहा यार सारे पिंड दा काम है चढ़ के लगा दे कनैक्शन, कहिंदा जी मैं नहीं लांदा परचा दर्ज हो जूगा। दो चार होर नूं कहा, आखिर नूं मैं कहा पौड़ी मंगाओ, पौड़ी मंगाई, अजे भी थोड़े सोशल मीडिया से मेरी फोटो पई होनी। मैं आप चढ़ के कनैक्शन लगाता 2016 च, लेकिन उस दिन मैं एक वायदा करिया सी कि जिस दिन मेरे हाथ च पावर आ गई, जिथे पिंड दियां 100 दूसरिया मोटरां दा जिहड़ियां किसानां दे लगियां भी ओह माफ है, उत्थे जिहड़ी पिंड दी जिहदे जो किसान भी पानी पींदा गरीब भी पानी पींदा उहदा भी माफ हो जाएगा, तां क्या फर्क है जी कर देणे। आ हुण लाइन मारती है तुहाडे पिंडां दे पानी दे बिल है जिहड़े मोटर दे, ओह सरकार भरिया करेगी। पहला 166 रुपये बिल आउंदा सी तुहानू पानी दा, पुराने सारे माफ करते हैं, तो हुण सिर्फ 50 रुपये आए करेगा, जिहड़ा तुसी अपना बंदा रखना इत्थे कम चलाउण वास्ते मेंटेनेंस वास्ते 50 रुपये घर परती देने हैं, 116 रुपया पर महीना माफ है। बिजली दे बिल टोटल 72 लाख बंदा है पंजाब दे विच जेड़ा बिजली दे कनेक्शन है, 52 लाख ऐसा जिदे 2 किलोवाट तक का लोड है, उन्हां पर 1200 करोड़ रुपये का बिल खड़ा है। पिछले समय का किसी दे 5 साल नहीं हो गए दे नहीं होए, किसी दे 2 साल हो गए, किसी दे 10 साल हो गए, किसी का 70,000 बिल खड़ा है। बीबी मेरे पास ही काई रोन लग गई, मैं क्या हो गया, कहिंदी 70,000 बिल है कनैक्शन कट गए। पता नहीं किन्ने बंदियां दे पंजाब दे कनैक्शन कट्टे हुए सी, 1200 करोड़ रुपये का सारा बकाया एक मुश्त माफ कर दिता है। थानू हूँ भरना नहीं, अगले बिना च लिख के आ जाना कि थोड़ा बकाया माफ है। सत्कारयोग वीरो, कल मैनू एक बंदा कहिंदा, कहिंदा जी कई बीच नूं कुसर मुसर जी करदे तां खजाना लटाउण लग गया। मैं क्या इहदे नालों चंगा कि सुखबीर बादल और मजिठिया खजाना लुट लवे यार, मेरे लोकां नूं दे लैण दे मैनू। इन्हां लोकां ने पंजाब दे खजाने नूं लुट्टिया, इन्हां लोकां ने पंजाब नूं लुट्टिया, इन्हां लोकां ने पंजाब नूं कंगाल करिया, इन्हां लोकां ने पंजाब नूं नशई कहाया है, इन्हां लोकां ने पंजाब दी जो दक्षिणा कीती है ओ पंजाब इन्हां नूं कदे माफ नहीं कर सकता।
बजाय इसके कि अजिहे लोग बड़े बड़े डाकू बन अज जैसी तुहाडे भरा सरकार विच बैठे है ऐसी इन्हां नूं नहीं लुट्टण देना ना अफसरां नूं लुट्टण देना ना राजनीतिक लोगों नूं लुट्टण देना खजाना जो है पंजाब दे लोगों दा पंजाब दे लोगों नूं देवांगा पंजाब दी सरकार ने पिछली सरकार ने और उससे पिछली सरकार ने एक कानून पास करता कहिंदे जी दर्जा चार दे कर्मचारी पक्के नहीं भर्ती होणगे इन्हां नूं आउटसोर्स से भर्ती कराया जाऊगा तनखा किन्नी 5000 रुपया या 7000 रुपया जेड़े आईएएस है ए क्लास दे अफसर है बी क्लास दे अफसर है वो रेगुलर भर्ती होणगे पर गरीब ने जेड़े ने ड्राइवर बनना जेड़े ने सफाई सेवक बनना जेड़े ने चपड़ासी लगना जेड़े ने टेक्नीशियन लगना दर्जा चार वाला कहिंदे जी बंद कर तो भर्ती मैं उदों भी विरोध करिया सी और बहुत लड़िया लेकिन सुनवाई नहीं हुई एक मंत्री की घट हुंदी है हुण बन गया थोड़ा वीर मंत्री मुख्यमंत्री आउंदे ही असी पास करता कि दर्जा चार वाले भी रेगुलर भर्ती होणगे जिन्हें पर पीएन भर्ती होणगे जिन्हें सफाई सेवक भर्ती होणगे जिन्हें टेक्नीशियन भर्ती होणगे जिन्हें ड्राइवर होणगे कोई दर्जा चार का बंदा भर्ती होएगा रेगुलर ही होएगा वो भी जिस तरह आईएएस भर्ती होंदा है उस तरह ही वो भर्ती होएगा सो भीरो ये आम लोगों की सरकार बनी है अज थोड़ा अपना राज आया है गरीब चाहे किस वर्ग का है मिडल क्लास का है चाहे किस वर्ग का है वो गरीब है वो मिडल क्लास है अमीर चाहे किस वर्ग का है वो अमीर है अज गरीबा और मिडल क्लास के नौजवानों का राज आया तो जिहड़ी पंजाब दे विच भर्ती हो रही है वख वख अदारिया च असी 1,00,000 बंदा भर्ती कर लगे हैं एक गल थानू विश्वास दवाना चाहना हथ खड़ा करके कि एक भी भर्ती पैसा लेके नहीं होएगी और किसी की मदद नहीं होएगी मैनू पता लग्या कि सिपाहिया की भर्ती होनी है जी 2,00,000 रुपया असी देवे थोनू करा के सब इंस्पैक्टर रखने जी 10,00,000 रुपया दे जो पता नहीं इससे ज़्यादा भी लेंदे हो मैं नौजवानों बेनती करना चाहता मैं उन्होंने मापियां बेनती करना चाहता किसी पास पैसे ना फसा दो ये मुड़ने नहीं है फिर तुम मेरे पास शिकायत लेके आओगे फलाने पैसे दिते सी एक भी भर्ती पंजाब दे विच चाहे मैं 1 रखा चाहे 1,00,000 रखा रखागा मैरिट से हर नौजवान का हक है कि वह नौकरी करे किसी नू सिफारिश दे नाल नहीं रखना किसी नू पैसे नाल नहीं रखना मैनू पता है जब पिछलियां चोणां दे विच ऐसी प्रचार करते सी जिहड़ी 97 दे विच अकाली दल की सरकार आई 2000 दे विच गई उदों क्या हुंदा सी जी बैग आया कहिंदे जी बीबी जी ने पुराने नंबर विच लग्गिया बाहर टैग लगता है नौकरी लगन का दोबारे मुड़ के कदे सरकार नहीं सी ज़्यादा आई इस करके मैं अपने हर वर्कर नूं हर लीडर नूं भी बेनती करना चाहुंदा कि बिच लुटेरे रल जांदे आ इन्हां ते बचो किसी नूं ऐसी पैसे लेके नौकरी नहीं देनी जिन्हों नौकरी देनी है ईमानदारी नाल मैरिट ते देनी सो मैं बेनती करना चाहुंदा कि अज आपां इस स्थान ते आए हैं अज मैं एक ऐलान करना है कि असी इत्थे भगवान वाल्मीकि जी की पूरे जीवन नूं बहुत खूबसूरत तरीके दे नाल पनोरमा बना के उन्हों फिल्माउणा है 25 करोड़ रुपया दे लगेगा तो इहदा मैं अज नींह पत्थर रख दिता है 6 महीनों के विच असी तैयार कर देना सरोवर है जिहड़ा इत्थे उहदी सफाई वास्ते 3.5 करोड़ रुपया जिहड़ा इत्थे लाइटां लाउणियां उहदे वास्ते 4 करोड़ रुपया बकाया कम्मां लई 4,14,00,000 रुपया इत्थे बड़ी सरांच फर्नीचर लाउण वास्ते 1,50,00,000 रुपये का ऐलान करके मैं हुणे
ऐसे महीने थानू ये पैसे भेज देने हैं। इस दे नाल ही भगवान वाल्मीकि जी की चेयर जो पहला बनी हुई है उदे लई 5 करोड़ रुपया हर साल उदे खर्चे वास्ते देवांगे ताकि उदे ते रिसर्च हो सके। भाई जीवर सिंह की चेयर लई 5 करोड़ रुपया, थोड़ा सारिया का बहुत धन्यवाद। सफाई कर्मचारी एक ऐलान कर देना अज जब साढ़े पिंड या स्कूल दे विच कदे मंत्री आउंदा सी ना तां उह इक छुट्टी ऐलान कर जांदा सी। मैं सफाई कर्मचारियों हर हफ्ते एक छुट्टी ऐलान कर रहा, गस्टर छुट्टी होए करेगी। पूरिया जिन्या दूसरिया छुट्टियां मिलदियां उन्निया ही मिले करनगियां। सो थोड़ा सो थोड़ा सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत प्यार दिता, बहुत बड़ी गिनती जो तुम इतने आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान वाल्मीकि जी की।